हेलो दोस्तों, मैं हूँ एवो और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले एक IoT प्रोजेक्ट जिसका नाम है ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पर हम सेंसर से मेजर करेंगे सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, और उसे उस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और सॉइल मॉइस्चर के हिसाब से उसे कंट्रोल करेंगे ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ज़रूरत होंगी दो ESP8266 बोर्ड की, दो क्यों, क्योंकि एक बोर्ड इतना कैपेबल नहीं होता कि वेबसाइट पर डाटा भेज सके और रिसीव कर सके और डिस्प्ले पर प्रिंट कर सके। इसलिए हम दो बोर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, एक रिसीव के लिए और एक ट्रांसमिटिंग के लिए। उसके बाद एक 0 PCB सर्किट बनाने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर पंप मोटर, जंपर केबल कनेक्शन के लिए, और DHT11 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। यहाँ पर हम D0PM पर डाटा को मेजर करेंगे। उसके बाद LDR सेंसर लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। सॉइल मॉनिटरिंग करने के लिए सॉइल मॉइस्चर सेंसर, यहाँ पर हम इसके एनालॉग इनपुट लेंगे इससे, या इसीलिए इसके A0 पिन पर कनेक्ट कीजिए वायर को। उसके बाद हम यूज करेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले के पीछे वो I2C मॉड्यूल लगा है जो 6 पिन को कन्वर्ट कर देता है 4 पिन में, जिससे वायर बहुत कम हो जाती है। उसके पीछे आपको जो पोटेंशियोमीटर दिख रहा है वो आपको एडजस्ट करके डिस्प्ले की लाइट इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिले मॉड्यूल, मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए और बल्ब्स को। अब हम सर्किट बनाएंगे। सबसे पहले आप एक ESP बोर्ड लीजिए, वहाँ पर स्ट्रिप लीजिए, उस वहाँ पर फिट कर दीजिए, और फिट हो जाने के बाद वहाँ पर उसे आप ZPCB रख कर उसे शोल्डर कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है डायग्राम, उसकी तरह आप कनेक्शन करिए। कनेक्शन हो जाने के बाद आपकी PCB कुछ इस तरह की दिखेंगी, जहाँ पर हमने 4 रिले मॉड्यूल इस्तेमाल किए हैं। फोर रिले मॉड्यूल और सेंसर का डाटा वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए एक ESP इस तरफ और दूसरा ESP बोर्ड। रिले को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने D0 पिन पर LDR, D1 पर DHT11 और D3 और D4 पर डिस्प्ले की पिन्स, VIN पर पावर सप्लाई। आपको ये सभी कनेक्शन डिस्क्रिप्शन में डायग्राम दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं डिटेल्स में। वहाँ पर मैंने टोटली आपको दिखाया कि कैसे कनेक्शन करने, आप उस डायग्राम को फॉलो करेंगे तो आपके कनेक्शन सबसे अच्छे होंगे। यहाँ पर भी हमने पावर सप्लाई के लिए VIN पिन ही यूज किए।
उसके बाद आपको आपके लैपटॉप के ऊपर आ जाना है और वहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको वहाँ पर UB.डॉट टाइप कर लेना है, UB.डॉट्स एक IoT प्लेटफॉर्म साइट है जहाँ पर आपको IoT से रिलेटेड प्रोजेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। गो टू डैशबोर्ड करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपने अकाउंट पर क्लिक करके AIP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को आपको यहाँ पर जाकर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रीन हाउस आर्डिनो फाइल को डाउनलोड कर लेना है। उस फाइल में से सेंसर अपडेट नाम का कोड को अपल को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले UB.डॉट्स की लाइब्रेरीज को ऐड कर लेना है आपके आर्डिनो सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आपको टोकन पर जो हमने वहाँ पर कॉपी किया था उसे यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद आपको आपके वाईफाई SSID को यहाँ पर डाल देना है दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड को डालना है आपके वाईफाई के। उसके बाद आप यहाँ पर कोड अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। सॉरी, बोर्ड कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके टूल और बोर्ड टाइप NodeMCU 1.0 होना चाहिए और कॉम पोर्ट आपके केस में कोई अलग भी हो सकता है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले ये कोड को कंपाइलिंग कर रहा है तक कोड सही है कि नहीं ये देखने के लिए। उसके बाद ये अपलोड कर देगा, अपलोड आ जाएगा यहाँ पर। अपलोडिंग अब शुरू हो चुकी है। अब आपको आपके आर्डिनो सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना है और आपको फिर से आपके क्रोम ब्राउज़र के ऊपर UB.डॉट साइट के ऊपर आ जाना है और वहाँ पर डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। करने के प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, ब्लिंक डिवाइसेस, वहाँ पर आपको डिवाइस नेम पूछेगा, वहाँ पर आपको आप जो भी नेम असाइन करना है वो दे दीजिए। उसके बाद आपको पर कंट्रोल रिले डाल देता है। उसके बाद आपको डिवाइस लेबल को सिलेक्ट कर ले, डिवाइस लेबल नेम आपको फिर से ग्रीन हाउस फाइल के ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पर रिसीविंग कोड के ऊपर उसे ओपन कर लेना है, रिसीविंग कोड फाइल को। वहाँ पर उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर टोकन को जो हमारा टोकन है वो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सॉरी, पेस्ट करने के बाद आपको आपकी वाईफाई का जो नेम है वो वहाँ पर फिर से डाल देना है और पासवर्ड। उसके बाद आपको लोड मैनेजमेंट को कॉपी कर लेना है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर UB.डॉट में यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डिवाइस नेम
कंट्रोल रिले डिवाइस लेबल में तो यहाँ पर लोड डैश मैनेजमेंट पेस्ट कर देना है और ओके पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड वेरिएबल पर क्लिक करके रॉ यहाँ पर आपको नेम बिल्कुल जहाँ यहाँ पर लाइट वन को कॉपी कर लेना है और वही वहाँ पर देना है। नेम और लोड मैनेजमेंट एकदम करेक्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। रॉ न्यू वेरिएबल पर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है ओके। उसके बाद फिर से आपको सेकंड पर आ जाना है, वहां पर पेस्ट यहां पर आपको टू टाइप कर लेना है। उसके बाद फिर से ऐड पेस्ट थ्री, उसके बाद फिर से ऐड वेरिएबल फोर। उसे हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डाटा में डैशबोर्ड पर क्लिक करके करने की कर लीजिए। डैशबोर्ड पर आ जाने या प्लस आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर आप स्विच सिलेक्ट कर लीजिए। स्विच में सबसे पहले आप ऐड वेरिएबल कंट्रोल रिले लाइट वन ओके पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी नेम देना चाहते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले लाइट जो हमारा बल्ब है उसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऐड। उसके बाद फिर से आपको आ जाना है उस फोल्डर के ऊपर, यहाँ पर uv.textstyle पर कॉपी कर लेना है इस कोड को। ये जरूरी नहीं आप इस कोड को ऐड करें, इसी पे यहाँ पर चेंजेस करने यहाँ पर ऐड टेक्सटाइल ये इस कोड को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करके एक्सेप्ट ओके सेकंड पर फिर से आपको स्विच ऐड वेरिएबल कंट्रोल रिले आपको यहाँ पर लाइट टू को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू थ्री, स्विच के ऊपर आपको और फैन ओके पर क्लिक कर लीजिए। फिर से स्विच ऐड वेरिएबल कंट्रोल रिले लाइट थ्री मिनिमम वैल्यू फोर मैक्सिमम वैल्यू फाइव, स्विच के ऊपर आपको फिर से हम दो फैन यूज करें इसलिए दो फैन के लिए फैन टू ओके पर क्लिक कर दीजिए। फिर से आपको स्विच पर आ जाना है, स्विच ऐड वेरिएबल
कंट्रोल रिले, लाइट 4, ओके, मैक्सिमम वैल्यू 6 और यहाँ पर 7। यहाँ पर स्विच के ऊपर आपको वाटर पंप मोटर से उसके बाद आपको आपके ESP को पावर अप कर लेना है आपके सर्किट बोर्ड पर लगाकर, और यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करके उससे पहले आप डिवाइसेस पर, यहाँ पर आपको 4 वेरिएबल्स ऐड होते हुए दिखेंगे आपको, ये केस में ये ऐड होने चाहिए आपको ESP को पावर अप करने पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले LDR, सॉइल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रीडिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर से आपके डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर हम वहाँ पर गेज कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड पर, फिर से आपको यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम टेम्परेचर ऐड करेंगे, इसके लिए थर्मोमीटर आइकॉन को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड वेरिएबल, लास्ट में आपको सबसे और आपको टेम्परेचर को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 120 एट टेक्सटाइल पेस्ट एक्सेप्ट ओके। यहाँ पर आपको टेम्प्रेरी वैल्यू शो नहीं होंगी, उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू शो होने लगेंगे टेम्परेचर की। यहाँ पर आपको थर्मोमीटर पर वैल्यू शो होने लगेंगे, उसके बाद आपको फिर से अब हम ह्यूमिडिटी गेज को ऐड करेंगे। यहाँ पर एक गेज को सिलेक्ट करके ऐड वेरिएबल, यहाँ पर लास्ट में आकर इसे सिलेक्ट करके ओके कर लीजिए। उसके बाद ह्यूमिडिटी की वैल्यू 120 मैक्सिमम रेंज एट टेक्सटाइल को यहाँ पर एक्सेप्ट करके, यहाँ पर टेम्परेरी डाटा शो नहीं होगा, उसके बाद आपकी ह्यूमिडिटी शो होने लगेगी 32। फिर से आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक, अब हम सॉइल मॉइस्चर को ऐड करेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करके ऐड वेरिएबल, लास्ट में आकर सॉइल को सिलेक्ट कर लीजिए कि टेक्सटाइल पेस्ट एक्सेप्ट ओके। इंडिकेटर को नहीं सिलेक्ट करना है, सॉरी टैंक को सिलेक्ट कर लेना है, इसे कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर आपको टैंक को सिलेक्ट कर लेना था, ऐड वेरिएबल ESP सॉइल ओके। यहाँ पर रेंज आपको दे देनी 150, टेक्सटाइल पर आपको टेक्सटाइल ऐड कर देनी पेस्ट एक्सेप्ट ओके। यहाँ पर हमारी सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू शो होने लगी है। उसके बाद हम LDR सेंसर की वैल्यू ऐड करेंगे, लाइट इंटेंसिटी ऐड वेरिएबल
वहाँ पर आपको LDRs को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। यहाँ पर वैल्यू आपको -1, 2 और ओके। यहाँ पर LDR की वैल्यू शो होने लगी। अब आपको यूवी डॉट साइट के ऊपर का काम पूरा हो चुका है और यहाँ पर आप अब आपके आप आ जाते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर के हमने बनाया हुआ प्रोजेक्ट ठीक से वर्क कर रहा है नहीं देखने के लिए। तो आप आ जाते हैं हमारे पावर सर्किट बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर हमने 2 ASPs यूज किए, ASP यूज किया है सेंसर का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, और ये ASP यूज किया है वेबसाइट से आने वाले डाटा को रिले मॉड्यूल स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर हमने मोटर फैन को पावर सप्लाई करने के लिए 12 वोल्ट का चार्जर यूज किया है। यहाँ पर हमारी वाटर सप्लाई मोटर है और ये इसकी वाटर सप्लाई लाइन है। यहाँ पर हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है अंदर की तरफ। यहाँ पर हमने डिस्प्ले यूज किया है जो डिस्प्ले लगा है। यहाँ पर हमारा हीट करने के लिए बल्ब यूज किया है हीट और लाइट के लिए। यहाँ पर बीच में DHT11 सेंसर यूज किया गया है। यहाँ पर LDR सेंसर लगाए हैं और यहाँ पर आप फैन देख सकते हैं, 2 फैन यूज किए गए हैं अंदर की हॉट एयर बाहर निकालने का और ह्यूमिडिटी कम करने के लिए। तो चलिए अब हम सिस्टम को पावर अप करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ हमारी ह्यूमिडिटी है, वहाँ पर नीचे की तरफ हमारा टेम्परेचर है, यहाँ पर हमारा सॉइल है और नीचे की तरफ हमारी लाइट इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम लाइट्स ऑन करेंगे, उसके बाद फैंस, उसके बाद हम सॉइल मॉइस्चर चेक करेंगे। ओके शुरू करें। लाइट ऑन हो गई। अब हम फैन को शुरू करेंगे। फैन स्टॉप करेंगे। फोकस। अब हम देखेंगे फैन को शुरू करके ह्यूमिडिटी में क्या चेंजेस आते हैं। ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो गई है। अब हम शुरू करेंगे वाटर पंप। स्टॉप कर देंगे वाटर पंप को। अब हम यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर आ गया 95%। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।